मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नलिनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपी कुमारं। कई सन्ने मेरे पास हैं, उनमें से जिनका उत्तर दिया जा सकेगा अपना समझ लिया। एक प्रश्न का प्रकारण उत्तर से उत्तर यह है कि सच्ची बात, मेरा किसी विषय में कोई अनुभव नहीं है। जहाँ अनुभव है वो पहले की चीज नहीं है और किसी विषय में कोई अनुभव नहीं। शास्त्रज्ञ नहीं, गुरु उपदिष्ट ज्ञान नहीं, अध्ययन नहीं, जैसा चाहिए वैसा नहीं, तो फिर कह सकते हैं फिर बैठ करके कहता क्यों है और कल्याण का संपादक बना क्यों बैठा है। सच्ची बात तो यह है कि अगर मैं अपनी ओर से कहूँ तो झटका है नालायकी, बैठने योग्य नहीं, संपादन में नाम रखे योग्य नहीं। तो गांधी जी ने मेरे पत्र के उत्तर में एक बात लिखी थी बहुत पुरानी, किसी विषय की चर्चा थी तो उन्होंने और बात लिखने के बाद लिखा कि तुम ये समझो कि मुझसे कोई करवा रहा है। ये उनके शब्द कहता हूँ अक्षर से, और मैं समझता हूँ कि वो करवाने वाला अलख निरंजन राम है। उनको तो शब्द मुझे याद अलख निरंजन राम है, हो सकता है कि दशमुख रावण हो, तुम जो ही समझो। तो संभव है इस बैठाने में और संपादन के नाम रहने में अलखनंदन राम कारण हो या दशमुख रावण हो। अपनी वासना तो है ही, तो एक प्रश्न का उत्तर ले रहा हूँ। अपनी वासना तो है ही और वासना की पूर्ति में वासना रखने वाले को सुख मिलता है, चाहे उसकी भ्रांति हो। तो मुझे भी, मैं कहता तो हूँ नहीं बोलना चाहता, कहता तो हूँ कि नहीं नाम रखना चाहता, पर जबरदस्ती कौन बुलवा सकता है, कौन नाम रखवा सकता है। अपनी वासना अपने को प्रवृत्त करती है। अब रहे आप लोग, कभी तो आप लोगों को मैं भूला कहूँ, अज्ञानी कहूँ, तो ये मेरी धिक्कार। आप लोगों को अपना प्रेमी और भक्त मानूं तो इसके मैं योग्य नहीं। तो ये समझता हूँ कि आप लोगों की कृपा है और मेरे प्रति आप लोगों का न्यूनाधिक रूप में राग है। जहाँ राग है वहाँ दोष भी गुणदीश का है, और जहाँ दोष है, जहाँ दोष है वहाँ गुण भी दोष दीश का है। ये राग द्वेष का स्वभाव है। तो जहाँ राग होता है वहाँ अपना बच्चा कैसे ही बोले, कैसे रूप स्वरूप का हो, ये अच्छा लगता है। इसी प्रकार संभव है, मेरी कल्पना में भी भूल है, आप केवल सभ्यता से सुनते हैं, पर मैं क्यों मानूं, मैं तो मानूं कि आप लोगों की मेरे पर कृपा है, मेरे पर प्रीति है। नालायक के साथ भी आप अपने सिर से लायक करते हैं, इसीलिए इतना समय व्यस्त करते हैं सुनने में, और कोई हेतु अच्छा लगता है आपको।
ये आपका सीन है। जिस किसी की कोई तारीफ होती है ना महाराज, ये सिद्धांत की बात अब कहता हूं, इसमें चार कारण हुआ करते हैं। हमारी कोई प्रशंसा करता है और हमारे गुण का वर्णन करता है तो ये बहुत संभव है सच्ची बात कि इसकी दृष्टि में कोई दोष आते ही नहीं, इसको सर्वत्र गुण दिखाई देते हैं, इसलिए वो गुणों को देखता है, गुणों को वर्णन, गुणों का वर्णन करता है। ये उसकी गुणदर्शनी दृष्टि का परिणाम है, जिसकी प्रशंसा करता है उसकी योग्यता नहीं। दूसरा, उससे नीचे उतरता हुआ गुण दोष दोनों ही उसको दिखते हैं, पर गुणों को ग्रहण करता है, दोष को ग्रहण करता नहीं। इसलिए जहां कहीं भी वो गुण देख कर गुणों का आदर करता है, दोषों को भूल जाता है। ये भी इसका अपना सद्गुण है, जिसका गुण वर्णन किया जाए इसका नहीं। तीसरा, इससे उतरता हुआ भाई दोष तो दिखता है, तो दोष है भी, पर क्यों लड़ाई मोल ले, दोष बता लेंगे तो लड़ बैठेगा, इसलिए दोष का वर्णन न करके गुण का नाम लेकर पिंड छुपाता है। ये भी इसका एक गुण है, लड़े नहीं। चौथा, धर्म करता हुआ जो होता है जो किसी को बनाया करता है। आपका क्या कहना है, आप में जो गुण ही गुण है, आप बड़े भक्त हैं, आप बड़े ज्ञानी, मन में तो कुछ नहीं मानता, पर इसको बनाने के लिए मजाक करता है, वो मजाक मानता नहीं, वो समझ लेता है कि देखो ना मेरे कितने गुण लोग देखते हैं। तो ये अगर देखने वाले कहने वाले का सद्गुण न माने, उसमें कला तो है ही, दूसरे को बनाना जानता है, तो ये भी उसका गुण ही है। तो चारों प्रकार से ही प्रशंसा करने वालों के गुण व्यक्त होते हैं प्रशंसा करने में, और जिसकी प्रशंसा होती है वो यदि अपने को उनके कहने से गुण वाला मान ले, अपने आप को न देख है और वह क्रिएट कर ले, वो जितना है उससे ज्यादा अपने को समझ ले, तो उसका उत्थान रुक जाता है। पर बड़ी मुश्किल की चीज ये है कि मान बहुत प्रिय लगता है, मुझे तो लगता है बहुत प्रिय मालूम होता है मान, और उस मान में इस प्रकार की एक मीठी जहर की फुट दी हुई होती है कि काम तो जहर का करता है परिणाम में, परंतु मिठास में कभी कमी नहीं होती। तो आप लोग कृपा पूर्वक राग तो आप कहे हैं आशीर्वाद दें कि जिससे जहर में कभी जहर बुद्धि हो जाए, है नहीं अभी, तो आप लोगों का एक बड़ा उपकार मेरे ऊपर है। वो चीज बड़ी दूसरी अभी 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 हाल नहीं, एक महात्मा ने बताया, बड़ी अच्छी बात बताई, प्रेम के मार्ग की बात थी, यहाँ वो बढ़ जाती है किसी तरह से। इसने कहा, उन्होंने कहा भी जो चाहता है वो प्रेमी नहीं। बोले कहीं ऐसा हो कि एक आदमी, तो बड़े महत्व की बात, एक आदमी भगवान से कोई संत से किसी को भी अपना प्रेमास्पद मानता है, स्वयं प्रेमी हो, और वो प्रेमास्पद कभी ये कर बैठे कि इससे आते ही उसको फटकारा, क्यों आए यहाँ पर, मुंह दिखाओ, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, धक्का दे के निकाल, धक्का दे तो जब निकाला जाए उस समय उसके मन में हर्ष हो, दिखाने का नहीं, वास्तव में हर्ष हो कि मुझे कितना ये अपना मानते हैं, कि जिसको धक्का देने का अपना अधिकार मानते हैं। बदले में अगर धक्का मिलने की आशंका होती तो नहीं धक्का देते, पर वो इतना अपना मानते हैं कि धक्का देने पर भी बदले में धक्का नहीं देगा, ये बदले में कुछ बोलेगा नहीं, इतना अपना मानते हैं धक्का देते हम। तो इस पर वो हर्ष करे
ये एक सीढ़ी थी, इसके बाद और आगे चले, फिर वो आए, फिर वहां तो अच्छी मारने को तैयार हो गए, तो दरवान से कहकर के बाहर निकाल दिया, कहा मुंह काला कर लो, आएंगे फिर उधर आना मत, बड़े जोरों से निकलवा दिया। इसको हर्ष हुआ, फिर उसको मन में हर्ष हुआ, वो कहने लगा अपने मन में कि देखो कितना प्यार है मेरे प्रति, कितना अपनापन है कि अपनेपन के नाते अपनी इच्छानुसार बरतते हैं, इच्छानुसार बचने की छूट हम दे दें कोई को, प्रेमी देता, प्रेमी का स्वभाव है, प्रेमी का ये एक लक्षण है कि वो प्रेमास्पद को अपनी इच्छानुसार बरतने का अधिकार दे देता है खुला, और वो प्रेमास्पद कहीं अपने अधिकार का प्रयोग करे, उपयोग करे, और उस समय अगर वो प्रेमी वहां से हट जाए तो मूल में प्रेमी नहीं है, उसने अधिकार झूठा दिया था, अधिकार दिया नहीं, तो उस पर भी उसके मन में प्रसन्नता। इसके बाद फिर कभी आज उसको बुलावे तो पूछे कि भाई हमने जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तुमको दुख हुआ क्या? वो कह रहे कि नहीं नहीं कोई दुख नहीं हुआ, और मन में हूं तो बोले श्याम सुंदर तो जानते अंतर्यामी है, जो अंतर में बैठे हैं वो जानते हैं दुख हुआ तो उनसे उनको धोखा नहीं दे सकते, तो उस समय भी वो दुख यदि हुआ है उसको तो प्रेमी नहीं। फिर एक दिन वो आया, वो आया कुछ देने के लिए, कुछ लेके आया, भेंट लेके आया, कुछ खाने के लिए ले आया। उसने कहा ये आप ले लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ, बड़ी सुंदर चीज है, तो लेने लगी, इतने में दूसरा आ गया और चीज लेकर के, इससे आज तुम्हारा यहाँ तुम किसका खाएंगे, तुम्हारा नहीं लेंगे। बोले मैं लाया था पहले से बैठो, मैं नहीं हट गया हम किसका। इस पर यदि उसे दुख होता है तो उसके प्रेम में बाधा, क्यों? उसे जानना चाहिए कि इनको अगर इनकी चीज खाने में सुख है तो मुझे सुख होना चाहिए, मेरी चीज न खाने में अगर इनको सुख है तो मुझे सुख होना चाहिए, अगर मैं इसमें अपने मन से भी आग्रह करता हूँ तो मैं प्रेमी कैसा हुआ। तो वहां पर भी वो सुख माने दुख न माने, इसके बाद कोई दिन ऐसा हो कि उससे मिलने के लिए उसको बुलाया, और जब वो पास आ जा तब किवाड़ बंद कर ले, जब नहीं अरे नहीं फिर कभी आना, बोले फिर कब बोले कोई पता नहीं। इस समय उसको सुख हो दो तरह से, कि इनको सुख मिल रहा है अथवा मेरे जाने से इनको सुख होगा, तो उनका सुख ही इष्ट है, जब ये हो जाए इन्होंने और कई बातें कही, तब बोले फिर पास बुलाते, पास बुला के कहते हैं कि भाई तुम्हारे मन में कुछ तुम समझना मत, फिर मस्तक पर हाथ रख देते हैं, श्याम सुंदर मस्तक पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि तुमको इस समय भी हमारे ही, इस समय भी हमारे ही हो, ये दूसरों के साथ ये बर्ताव हुआ कि तुम्हारे बर्तन को बढ़ाने के लिए, बाजार की चीज से अगर होते तो हिस्सा बचाव करते, और घर की चीज और बैर की चीज सभ्यता नहीं होती, सभ्यता एक बार की बात है, बड़ी सुंदर बात, गांधी जी उस समय बंबई में थे, जुहू में, जुहू स्थान बंबई के पास, जुहू में वो रहते थे समुद्र तीर पर बीमार, मेरे साथ उनका संबंध अत्यंत घर का संबंध था, आत्मीयता का, वो मुझे उत्तरगत मानते थे, मैं उनको पिता की तरह मानता था, घर पर बहुत दसे आए, बड़ा घर का संबंध था, तो जुहू में वो
ये रहे थे, शांति बाई थी रिया सुरमई की लड़की, वो और मैं उनसे उनके दर्शनार्थ हम लोग जुहू गए मेरा निजार है। रास्ते में नवजीवन मिला, उनका पत्र निकलता था। नवजीवन में ये विज्ञप्ति छपी थी कि महात्मा जी अस्वस्थ हैं, इनके पास मिलने को किसी भी नहीं जाना चाहिए। वो हम लोगों ने, मैंने शांति को पढ़ लिया और बंगला पास से हम जा पहुंचे तो मैं जाकर बैठा। देवदास वहां पर बैठे थे, गांधी जी के लड़के। देवदास से मैंने कहा, भैया हम लोग आए थे अब जाते हैं, क्यों जाते हो? मैंने कहा कि ये विज्ञप्ति छपी मेरे जीवन में, तो घर वाले अगर तंग करें तो ठीक नहीं। तो बोले खैर जरा बैठ जाओ, मैं बापू से कहा आता हूँ। तो मैं बैठ गया, बापू ऊपर थे तो वो कहने के लिए गए। तो तत्काल आए, मेरे ऊपर बुलाते हैं, मैं गया ऊपर, प्रणाम किया, बैठ गया। तो बोले जाते रहे थे तुम जा रहे थे, मैं जैसे कोई शासन में बोलता है उस प्रकार अपनेपन का शासन था, क्यों जा रहे थे? मैंने कहा बापू ये समाचार छपा है इसलिए जा रहा। तो बोले देवदास को मैंने घर से निकाल दिया क्या? ये विज्ञप्ति तो बाहर वालों के लिए है, जिनसे जिनके आने पर मैं अगर उनसे बात न करूं तो मुझे डर लगता है कि ये नाराज हो जाएंगे, इनको दुख होगा। और घर वाले घर में दिन भर बैठे रहेंगे, बोले नहीं, तुम्हें आकर के बैठो तुम मेरे पास, अच्छा दिन से बैठ के तुम वापस लौट जाओ, मैं तुमसे बोलू नहीं तो तुम्हें दुख होगा क्या? तो फिर तुम्हारे आने में क्या आपत्ति? तुम जा क्यों रहे थे? पराया मान रहे थे। मेरे पास उत्तर नहीं था, मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो ना कितनी उनकी आत्मीयता है, कितना अपनापन है, कितना अपना मानते हूँ। उनके बाद यहाँ गुणने थे, उनमें जो अद्भुत विचित्र गुण थे उनका स्मरण करके आज रोना आता है। मैंने उनकी बहुत सी बातों को नहीं माना, नहीं माना। ये तो कभी हिमाकत नहीं हुई ये कहने की तो कि मेरा मतभेद है, उनके मत के साथ मतभेद करने की बात कहने वाला मैं कौन? कुछ इतने बड़े जो पर ये कह देता था कि बाबू आपकी बात समझ में नहीं आई, और ये अंत तक कहता रहा। उनका पत्र मेरे पास मौजूद है, उन्होंने लिखा एक पत्र में, उन्होंने मतभेद लिखा उनका कि भाई मतभेद होते हुए भी तुम जो इतना मुझसे प्रेम रखते हो ये मुझे और नम्र बनाता है। उन्हें तो बनाता है या नहीं, उनका जो स्वभाव था मुझे तो वो उसने बनाया, मुझे सीखने को मिला उससे कि देखो कितने बड़े आदमी जिनकी बात मैं नहीं मानता, तो जिनकी बात का मैं जिनके सामने ही चाहे नम्र भाषा में खंडन करता हूँ, और वे कई बार मेरे खंडनों को लेकर के उन्होंने कल्याण नवजीवन में लेख लिखे कि एक पत्र हमारे पास ऐसा आया है हमारे किसी प्रेमी का, उसका ये उत्तर है, इतनी कृपा उनकी। तो कहने का मतलब ये कि घर वालों से जो कहीं पर रुखाई होती है वो रुखाई घर के नाते होती है, वो रुखाई का ये अर्थ नहीं कि उसमें कोई नियत में दोष होता। तो श्री कृष्ण बोले उस प्रेमी से कि भाई तुमसे जो हम नहीं बोले, तुम्हें दुत्कारा फटकारा, ये उन नए प्रेमियों की शिक्षा के लिए, उनको एक सीख देने के लिए कि प्रेमी में कहां तक त्याग होना चाहिए। अगर उसमें त्याग नहीं है तो वो तो प्रेम के नाम पर कान का सेवन कर रहा है। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, जैसे एक एक ज्ञान में दो तलवार नहीं रहती, उसी प्रकार मान संभ्रम और प्रेम रस का आस्वादन एक साथ नहीं रहता। जहां अपने को चाहिए, जहां ये वृत्ति नहीं
मित्र, ये तो मित्र में होनी चाहिए, मेरे से जो आगे बढ़े। ये वृत्ति बड़ी याद रखने की है, हर क्षेत्र में अगर प्रेम बढ़ाना हो आपस में भी। प्रेम के साथ चलता है त्याग, जहाँ त्याग नहीं वहाँ प्रेम भित्तिहीन होता है। नींद रहित जो मकान है वो ढह पड़ता रहता नहीं। किसी प्रकार प्रेम में त्याग की नींव होनी चाहिए। तो साथी हम लोग हैं, हम लोग ये मनाएं, ईश्वर से प्रार्थना कर हज नहीं कि महाराज मैं चाहे पीछे रह जाऊं, मेरा ये साथी आगे बढ़े। मैंने उसके आगे बढ़ने की तो प्रतीक्षा करे ही नहीं, वो तो एक प्रकार की हिंसा होती है कि ये पीछे रह जाए मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये जो किसी की अवनति की आकांक्षा सूक्ष्म रूप से भी किसी के पीछे रखकर अपने आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की आकांक्षा तो बुरी नहीं, तो किसी को पीछे रखकर आगे बढ़ने की आकांक्षा, ये एक प्रकार की हिंसा होती है। तो इससे तो आदमी को बचना ही चाहिए, ये तो बचेंगे, पर आगे बढ़ने वाला भी मेरे साथ रहे, मैं उसके समकक्ष रहूं, अर्थात मुझसे आगे न बढ़ जाए। पीछे रहने की बात तो नहीं, उतरनी थी बात, मैं उसके समान रहूं, वो मुझसे आगे न बढ़ जाए। इसमें भी प्रेम नहीं है, इसमें भी दोष है, क्योंकि वो आगे बढ़ने वाले को आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे हम दोस्त चार साथी जा रहे हैं, उन आगे बढ़ने वालों का धर्म दूसरा है, वो चाहे उनको साथ रखने के लिए रुक जाए, अथवा वो चाहे हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि हम उनके साथ साथ चल सकें, ये उनकी बात। पर हम साथ नहीं चल पाते, इसलिए हम ये कहें कि तुम भी रुक जाओ, साथ चलना है। तो प्रेम में कहा जा सकता है, दूसरी चीज है, परंतु उसका इसमें स्वार्थ है, जहां स्वार्थ है वही प्रेम में बाधा है। तो वो प्रेमी क्या चाहता है, स्वाभाविक चयन सुनने के लिए नहीं, अंतर्यामी अंतर की जानते हैं, उनसे हम छिपा नहीं सकते कि हमारा जो प्रेमी हमारा साथी है, हम चाहे पीछे रह जाए, हे भगवान इनको आगे बढ़ाओ। पर अगर सब युवा है, प्रत्येक देश का मनुष्य युवा है, पड़ोसी हरे पड़ोसी के लिए युवा है, घर का एक सदस्य दूसरे के लिए ऊंचा है, सब आगे बढ़े, मैं चाहे पीछे रह जाऊं, तो सब आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। सब अगर ये चाहे कि भाई इसका अधिकार रहे हमारा चाहे न रहे, तो सबका अधिकार रहेगा। पर यदि मनुष्य ये चाहे कि भाई दूसरा आगे न बढ़े मैं आगे बढ़ूं, तो सब ऊंचा है, तो सब सबके ठोकर मारेंगे, सब सबको पीछे धकेलेंगे, सब सबको पीछे धक्का देंगे। तो धक्का देने के उसने बदले में धक्का दिया, दोनों गिर पड़े, तो दोनों की चाल रुक जाएगी, आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। ये समझ करके प्रत्येक क्षेत्र में दूसरे के लिए मैत्री भावना करे, शुद्ध भावना करे, अपना अभाव अभाव न समझकर मित्र के अभाव का अभाव अपना अभाव समझे, और उसको दूर करने के लिए अपने में अभाव पैदा कर ले। बड़ी सुंदर बात, अपना देकर दूसरे को बना दे, ये तो सबसे अच्छा। और नहीं तो बनता हो तो ये तो न करे मन में कि भी हमारे समान रहना चाहिए, और ये तो करे ही नहीं कि हम आगे बढ़ना वो पीछे रहना चाहिए। तो किसी को पीछे रखने की आकांक्षा तो करे ही नहीं, समान रहने की भी आकांक्षा वहां न करे जहां कोई आगे बढ़ता हो। निरंतर यह आकांक्षा करे कि ये मुझसे आगे बढ़े, ये मुझसे आगे बढ़े, ये मुझसे आगे बढ़े। अगर श्याम सुंदर किसी एक गोपी से प्रेम करते हैं, तो दूसरी गोपी ये चाहे उससे प्रेम करे, उसको सुख दे, उनके सुख से ये सुखी हो, मुझे परित्याग कर दे हमेशा के लिए, कोई आपत्ति की बात नहीं। ये चीज जो है ये प्रेम की, तो इन सब बातों को कहना दूसरी चीज है। तो मैं उस प्रश्न के उत्तर में ये कह रहा था कि वास्तव में मेरा किसी विषय में कोई न अनुभव है, न योग्यता है, न विद्या है, न अधिकार है, इसलिए अगर मुझसे कोई विवाद करना चाहे, प्रश्न उत्तर करना चाहे,
तो मैं पहले घोषणा करता हूँ कि मैं हारा हुआ हूँ, मेरे पास कोई योग्यता हो तो बताऊँ मैं। और आप लोग सुनते हैं कि आप लोगों का राग है या मोह है, आप जाने। मेरी तो वासना है, इस वासना की पूर्ति आप लोगों के द्वारा मैं कर रहा हूँ। जब तक आप लोग करने देंगे और जब तक यहाँ रहना होगा करता रहूंगा, नहीं बुद्ध बैठेगी तो नहीं सही। तो मेरे यहाँ व्याख्यान से कोई ये न समझे, कोई आशा न करे कि ये कोई महात्मा है हमें कुछ दे देगा, ये कोई बड़ा ज्ञानी इससे ज्ञान मिल जाएगा, ये हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ा के ले जाएगा। ऐसी आशा अगर आप करेंगे तो धोखे में रहेंगे। तो सत्य कहता हूँ मैं, घोषणा इतनी बात अवश्य है कि मुझ पर भगवान की कृपा है, ये सत्य, ये भी सच स्वीकार करता है। और वो कृपा क्यों है कि वो कृपा करने को बाध्य है, वो सबके सूर्य स्वाभाविक है, वो कृपा कर नहीं सकते। अहेतु कृपा करना उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है। अगर आप माने तो आप पर भी वही कृपा है, तो उनकी कृपा मुझ पर सदा से है, तो वो अनंत है, असीम है। उस कृपा के सहारे ही बस मैं कभी अनुचित उचित भी कर बैठता हूँ। वो कृपा कैसी है, किसकी है, वो कृपा करने वाला सगुण है कि निर्गुण है, निराकार है कि वो साकार है, वो गुण वाला है कि बेगुण वाला है, ये जानने के लिए मेरे पास में समय है और मैं जानना चाहता हूँ और मैं जानने की योग्यता है। वो कोई हो, वो कोई हो, वो कैसा भी हो, वो कहीं भी हो, वो मुझ पर कृपा करता है, ये इतना मैं जानता हूँ। वो कोई भी हो, वो कैसा भी हो, वो कहीं भी रहता हो, मुझ पर वो कृपा करता है, ये मैं जानता हूँ। और उसकी कृपा से मुझे बल प्राप्त होता है, ये मैं जानता हूँ। लोग कहें कि तुम धोखे में हो, वो चाहे धोखे में समझे। लोग कहें कि तुम अज्ञान में हो, तो लोग चाहे अज्ञान में समझे। मुझे अज्ञानी कहलाने में, धोखे में कहलाने में कोई भी जरा भी न शर्म है, न आशंका है। निर्लज्ज की भांति मैं आप लोगों के सामने बैठ करके जो मन में आता से कह देता हूँ। सिद्धांत तो नहीं, सिद्धांत में जानता नहीं, सिद्धांत की मुझे कोई परिचिति नहीं। जो जानता हूँ वो कह नहीं सकता, केवल इतनी कह सकता हूँ कि कृपा कृपा और कृपा ही कृपा मेरे चारों ओर भरी है, अनंत है, आपका पार है, उसका कहीं पार नहीं। इसलिए मुझसे प्रश्नोत्तर कर दिए जाना करना ये अपने समय को सोना है, क्योंकि मैं किसी समाधान कर सकूं, किसी को दे सकूं, ऐसी मेरे अंदर कोई शक्ति न थी न है, और मैं चाहता भी नहीं कि हो। अपना अलग बैठा कोठरी में और अपना समय काटता हूँ, बस यही चाहता हूँ गंगा के तट पर। ये तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ, संक्षेप में प्रश्न के तो कई भाग थे उनके, हैं वो बताने का नहीं है, उसमें तो नए प्रश्न और पैदा हो जाएंगे बहुत। तो ये इनके प्रश्नों का उत्तर विस्तार तो हो गया, पर विस्तार होने पर भी बड़े संक्षेप से है।